कैटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। ठीक है, और आज की क्लास, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, लेकिन आज की क्लास में मैंने टेस्ट अरेंज किया हुआ है, तो आज की क्लास में आप लोगों को टेस्ट देना है, जिसमें आपको बेसिक क्वेश्चंस दिए जाएंगे और एक क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चंस के चार ऑप्शंस होंगे, एक सही उत्तर चुनना है आपको। ठीक है, टिक करना है उसके सामने, टिक करिएगा अच्छे से। ठीक है, अच्छे से टिक करिएगा, नहीं तो पता चलता है आप लोग करते हैं ऐसा कि ए और बी दोनों कवर हो जाता है, तो अच्छे से टिक करना है उसी वाली लाइन में। और जो जो मैं क्वेश्चन करूंगा वो क्वेश्चन आप नोट करेंगे, जैसे सबसे पहले थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाले सभी दृश्य मुख्यतः कितने रंगों से मिलकर बने होते हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन लिखिए, और जो जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, और लास्ट में मैं आंसर भी बताऊंगा और कॉपी भी चेक कर लूंगा आप लोग की। ठीक है, पहला पहला दो, और ये दोनों क्वेश्चन लिख लिए आप लोग, चौथा दो दो बोला हूँ ना। हाँ, चौथा भी लिखना है। हाँ, कर दे। हाँ, पहला लिख लिया ना आप लोग, लिखा ठीक है, चौथा लिखिए। चौथा लिख लीजिए, पांचवा नहीं लिखना है, चौथा तक लिखिए। हो गया क्या? सबसे आसान है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए, पांचवा नहीं लिखना है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि पांचवा आप लोग के लिए टफ लगेगा, मुझे पता है, टफ क्वेश्चन मैं देना ही चाहता हूँ। नहीं, सर चलिए छह सिक्स क्वेश्चन लिखिए। प्रिंटर बोलना जरूरी कहें बोलने के लिए फेंक नहीं आगे देंगे क्लास से बाहर, अभी अभी जितना समझाया जाता है उतना दिमाग खराब रहता है क्या आप लोगों का? बोल रहा हूँ, क्लास लाइव है। हाँ, सिक्स नंबर वाला लिख लीजिए। सेवन हो गया, सेवन नंबर नहीं लिख रहा है। हाँ, 11 नंबर वाला लिख लीजिए, 11 नंबर। ग्यारह नंबर वाला कुछ लिखिए, थोड़ा सा फास्ट लिखिएगा, राइटिंग मैटर नहीं करता है अभी। सर अगला क्वेश्चन चले, चलिए अगला क्वेश्चन 12वां ही लिखना है।
क्वेश्चन है भरा हुआ, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आपके ऑप्शन चार दिए हुए हैं, सही उत्तर का चयन करिए। नहीं है क्या बना दीजिए हाँ हाँ सर क्या करना है, उल्टा कर दीजिएगा आप, क्या करते कर दीजिए, कभी नंबर उल्टा कर देंगे। कभी ठीक है, चलिए हो गया ना 1-12 तक, चलिए बहुत अच्छी बात है। कितने क्वेश्चन हो गए आपकी कॉपी में? 5 हो गए, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आए हैं अभी तक। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन लिखे तो अच्छा हाँ, 13 वाला दिख ही रहा है, तो 13 वाला ही ना, कोई और भी दिख रहा है क्या? 13 के अलावा और हो गया क्या? ठीक हुआ, अच्छा चलिए कितने 6 हो गए ना, चलिए आगे चलिए। देखिए हाँ हाँ लिखिए, क्यों क्यों हाँ हो गया ना, क्यों अगला क्वेश्चन चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा जल्दी करिए, ये वाला नहीं करना है, 15 नहीं करना है, 16 भी नहीं करना है। चलिए 90 नंबर वाला क्वेश्चन, अरे यार हाँ सबका आंसर दिख रहा है क्या? अरे यस सर नहीं सर बिल्कुल लिख लो 91 नंबर। नहीं दिख 1900 लिखना है, 18 लिखेंगे, 18 का आंसर नहीं दिख रहा है। रहा हाँ
हाँ हो गया। हाँ लैंडिंग तक हुआ था ना, हाँ ठीक है। उसके बाद लिखिए, हाँ 23 नंबर वाला लिख लो। सर थोड़ा उधर का 23 नंबर वाला करना है। हाँ ये हो गया क्या? थोड़ा सा फास्ट करिए आप लोग, क्योंकि आंसर भी कितने क्वेश्चन हो गए आप लोग, 9 हो गए। इसको लेके ना एक क्वेश्चन और लिखा के उसमें आंसर बताऊंगा। इसमें और भी क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। मजेदार क्वेश्चन लग रहे होंगे पढ़ के, हाँ आसान भी है। हाँ ठीक अगला क्वेश्चन दे दे, पूरा नंबर आना चाहिए, किसी का भी कम नहीं होना चाहिए। क्यों प्रेस? तो चले नहीं ये बता दीजिए, 25 नंबर वाला लिख लीजिए और ऊपर करना है। तो नहीं ज्यादा ही ऊपर हो गया, 25 नंबर। नोट करिए, टाइम तो वैसे होगा, एक कर भी रहे हैं, आंसर भी दे रहे हैं आप लोग साथ में, साथ साथ में आंसर देते तो और क्वेश्चन करा देते ना, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन देख लेते आप लोग। देखिए हो गया मैं पीछे वाले को गधा कहता हूँ मैं, वही सब आगे चल रहा है। ठीक बेटा हाँ पेरिफेरल सीखो, पढ़ रहे हो फिर भी पूछ रहा हूँ कौन तो। ये कौन सा तरीका सर? वो आपने एक क्या लिखा है, एड ऑन डिवाइसेस क्या लिखा हुआ है? सही सा बात है। हो गया हो गया, कितने क्वेश्चन हो गए? 10 हो गए ना, रुक जाओ। देख लिए आप लोग ये,
ट्रांजिट अगला क्वेश्चन लिखिए तो ये वाला 30 नंबर, 30 नंबर वाला क्वेश्चन, जानबूझ के आसान आसान क्वेश्चन और ज्यादा तक नंबर हुआ तो उनको मार्क को बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन इसलिए मैं छाट दे रहा हूँ जितना टफ है हटा दे रहा हूँ, मैं आसान वाले दे रहा हूँ ताकि नंबर आप लोग गेन करें। क्यों ऋषि, सही बात है ना, बहुत अच्छी। अरे 15 क्वेश्चन एटलीस्ट देखे चला जाए, 15 का होगा रेशियो, और कम से कम आप लोग को गेन करना होगा 14 नंबर, 14 प्लस हो जाएगा, 14 से बिलो नहीं होना चाहिए, 15 नंबर का होगा, 15 क्वेश्चन करेंगे माइनस मार्किंग भी रहेगा क्वेश्चन, हो देखते हैं कैसे आपको कर रहे हैं। माइनस मार्किंग कर रहता है, माइनस मार्किंग ज्यादा नहीं करूंगा, 0.5, मतलब 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 क्वेश्चन गलत नंबर कट जाएगा। गया हाँ कितना 0.5 नहीं, 0.7, 50 50, 50 भी होता है, 0.5 भी होता है, 0.25 बोले हम, 0.25 भी होता है, 0.5 भी होता है, और 1/3 यानी 0., हाँ 1/3 भी होता है, 1/3 भी होता है, सर पास्कल नहीं पास्कल होगा, पा, पास्कल तो कोई गलती लिख दिया है। चलो तो इतना बहुत अच्छी बात लगी है मुझे कि आप लोग ये पढ़े कि पास्कल नहीं पास्कल होगा, यहाँ गलती से क्या लिख दिया है, हास्कल हो गया है, इसको हम क्या कर देते हैं, देखिए सही हो गया हम ना, सर और क्या पता वही आंसर भी हो, देख लीजिएगा आप लोग, अगर इस पे परिचर्चा ज्यादा हुई है तो हो सकता है। कितने क्वेश्चन हो गए अभी, 11 ही हुए हैं। चलिए अगला लिखिए, थोड़ा जल्दी लिखिए, आप लोग बहुत स्लो लिख रहे हैं ना। चलिए ये लिखिए तो, बत्तीस नहीं लिख दो, बता रहे हैं कौन सा, देख लिया आंसर सही है ना इसका, हाँ 32 नंबर। रहेगा बटनस नहीं है, बटन्स होगा, आधा न होगा। ठीक है ना, अब ये 12वां है ना, थोड़ा और सब फास्ट करिए आप, 9:45 तक क्वेश्चन सोच रहा हूँ मैं हो जाए सारे, और उसके बाद से आपका आंसर टाइम स्टार्ट हो जाए, थोड़ा सा फास्ट करिए। और सिर्फ 5 मिनट दिए जाएंगे, 5 मिनट में आप लोग कर ही लेंगे, 10 मिनट चले जाइए, 45 10 55, 10 मिनट में 15 क्वेश्चन, बहुत अभी बहुत कम है, अभी मैथमेटिक्स वाला तो है नहीं, पढ़ के लगाना है। बगल को अच्छा लगे प्लानिंग नहीं सारा क्वेश्चन थोड़ी बताना सही प्रीवियस वाला सही चलिए हो गया ना, ये 33 नंबर वाला क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुत आसान है ये तो, टफ है आप लोगों के लिए, टफ मतलब समझ रहे आप जी, नहीं नहीं
ये हाँ अरे हाँ बिल्कुल। ये 33 वाले गोले के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? तेरह। दो और लिख रहे हैं, जल्दी करिए, थोड़ा सा फास्ट चलिए। आप लोग बहुत स्लो लिख रहे हैं, आप लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आप लोग कम से कम स्पीड अच्छी होनी चाहिए। हो गया पढ़ा तो अच्छी होगी, क्योंकि हमारी ये वहां बोल बोल के लिखवाया जा रहा है, आप लोग लिख ही रहे हैं आराम से, तो स्पीड अच्छी होनी चाहिए ना। कोई नहीं कह रहे हैं, हो गया 33 हो गया ना। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम बहुत स्लो लिखते हो, खैर आप फास्ट लिखो जल्दी से। ऑप्शन लिखना था ना, लिखो। हाँ ये 34 नंबर तक आप नोट करिए। हाँ 34 नोट नोट करिए, इजी वाला क्वेश्चन ये है। हाँ किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? इसके अच्छा ऑप्शन हो गए, लिखो जरा इसी। बेसिक, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। हो गया, कितने को सुनोगे? 14। और एक लास्ट आखिरी 15 हो जाए, बस बहुत आसान है, फटाक से कर लीजिए आप लोग। 35 नंबर वाला, जल्दी से करिए, 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। कौन हाँ थोड़ा ऊपर करते हैं, लो बस ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, जल्दी से करिए, फिर हम आंसर भी बता दें और आपकी कॉपी भी चेक कर लें। जिनका हो गया वो कॉपी लाके चेक करा सकते हैं। तो हमारे जातो का चार सरकार दे रहे बड़ी गलती होता है इसमें,
वो नंबर मत चढ़ाइए उसी दोस्त। बस बात कितना बाकी लोग लाइए, मैं थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ। लाइए रिलेशन। ये तो मुझे फटाफट कर लिया, आप तो उसको तो वो कहाँ गए थे कंप्यूटर? हम क्या है तो कुछ आ गया पानी पीने के लिए तो मेरा कुछ ही पानी पीने चला जा रहा है। क्या जरूरत है। दीदी दीदी रमेश अरे दीदी बोलो नहीं बता रहे हैं बात कर अच्छा वो मर देखिएगा कोई आंसर बदले पहला आंसर काट के आंसर के चक्कर में दूसरा मारेंगे उसका ये वन टाइम वाला है सर, कट पीपल करेंगे तो वैसे ही काटेंगे। अब सोचिए माइनस पार्किंग में यूज किया, माइनस पार्किंग यूज करता तो आपका नंबर और कम हो जाएगा। माइनस पार्किंग यूज करता तो आपका नंबर और कम ये सर होता है। नहीं वो आप जान कर रहे हैं बोला लेकिन मेरे साथ तो अब हो गया है बता दिया वो घंटे का तभी नंबर और दिक्कत नहीं ना, तुम जरा पार्टनर से बाकी ये लिखा दिखते हो बस दो तो ना अभी बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, 2 मिनट मिनट और है। ठीक क्या और तुझे खराब कर लिए क्यों? जितना बोलेंगे तो बोलता ही बैठे होकर आप सुना आप। अरे आपको सही आपका आई से अरे मौखिक
मिनट और, 1 मिनट और है, 1 मिनट से जल्दी करिए। हमारे पार्टी हटा दिया है, जो भी जल्दी करिए, पूरा सही। 9:55 हो गया है, 56 होते ही माइनस मार्किंग का काल स्टार्ट हो जाएगा राहुल का। नक्षत्र यस सर, नक्षत्र ओके सही करके दोनों कर रहा है कितना गलती होती होगी इसकी। वाह ये गलत बात है ए, आखिर तो सर नंबर दे दी उसको, ये कोई नंबर नंबर सर ऑफिस में पढ़ते एक हैं ए बात नहीं लगाई हुई फर्स्ट सर वाला ना। ठीक फर्स्ट एक दो टाइम खत्म, हमारे पास क्यों गई आप कंफर्म है? ये सब मजाक नहीं है, मैंने बिना कुछ तो देखो तो हम काम करो सर, मजाक नहीं करो, टाइम का ध्यान नहीं दे रहा आपको नहीं वैसा क्यों? आप सबके लिए माइनस पार्ट क्यों हुए? फिक्स है ठीक है, चार लड़कियां, चार लड़कियां हैं, एक तो लड़की सर कोई कभी बगल में चिकन कोई देख नहीं लेगा सही है गलत है, आपको यहाँ से ठीक ठीक करके रहना है ना, आपको बढ़ जाएगा ठीक। हेलो हमारे हाँ अच्छा, अबे नहीं, व्हाट्सएप पर दो अभी चिकन को। हाँ वो मिलो बोले काम नहीं बोल रही, बोलो नंबर 91, 20, 53, 11, 24। कौन कंपनी है? अच्छा ना, 99 वाला है, खत्म हो गया यहाँ पे। नहीं, 99 नहीं खेल चेक कलर, एक मिनट।
हो गया ना, हो गया सब मन पेड़ा मत कर अपने जरा लगा इतना सर आज मैं तो कुछ होगा नहीं कर्नाटक भैया ने दिए के साथ छेड़खानी की है, ग्यारह से चौदह किया है इस बार गलती वाला गिन गया कितना नंबर ग्राम हो रहा है, मैं गलती किया नहीं उसका ही ऐसा मामला हो रहा है। घर जाके कह रहे बता रहा हूँ दो तीन चार एक दो तीन चार पांच दो इस नंबर पांच पहली बार जब से ही गलत कह रहा था तब एकदम से क्या है ये धोखा दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट सर अब बताएं ना आप लोग क्या है क्या पता है मेरा नाम ही उसी नहीं अच्छी कुछ हो गया ना पास दोबारा टिकी हो गई माना है विंडो डार्ट को सिखाया जाएगा विंडो की साइड वाली बिहार है वाला निकल जाएगा Thank you.
चलिए एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, एक बार रिपीट कर दीजिए आप लोग थोड़ा, क्या क्या था? तीसरे नंबर से था ना, तीसरे नंबर से, ठीक है। तो पहला था क्वेश्चन कि कंप्यूटर में कितनी स्क्रीन कलर दिया था, तीन होगा, राइट आंसर तीन होगा, रेड ब्लू ग्रीन, कितने होंगे? रेड ब्लू ग्रीन तीन होगा। इसमें कैश मेमोरी राइट आंसर है, सबसे एक्सेस टाइम कम कौन लेता है? कैश। ठीक, अगला देखिए, उसके बाद क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन था, स्टोरेज डिवाइस नहीं है, प्रिंटर स्टोरेज डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस है, बाकी सब स्टोरेज है। अगला क्वेश्चन था ये, नहीं 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 था, सबसे छोटी इकाई थी बीट होगी, बी सबसे छोटी इकाई बीट होगी। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, डीओएस यानी डीओएस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रथम पीढ़ी स्टार्ट हुई थी 1946 से 1956, पहला ऑप्शन ए 1946 से 56। अगला है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, वैक्यूम ट्यूब होगा, वैक्यूम ट्यूब। अगला क्वेश्चन है कि आईसी का प्रयोग कब किया जाता है? थर्ड जनरेशन होगा, क्योंकि सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर पे आधारित था, फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब पे। अगला था कि ये हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत मात्रा में भंडारण कर सकता है, स्टोरेज करता है, हार्ड डिस्क भी और मैग्नेटिक टेप, यानी ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है प्रिंटर कीबोर्ड मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसेस क्या बोलते हैं? तो जहां मैंने कहा था एक बार कि जब सारे डिवाइसेस को इनपुट आउटपुट स्टोरेज सबको मिलाते हैं तो उसे हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस, क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। तो पेरिफेरल डिवाइस राइट आंसर होगा। अगला है, अगला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी वैज्ञानिक भाषा है? फोर्ट्रॉन वैज्ञानिक भाषा है आपकी, क्या होगा? फोर्ट्रॉन। अगला है कि किसमें अलाइनमेंट होता है? फॉर्मेशन टूल बार इज द राइट आंसर। रैम क्या है? वो नॉन वोलेटाइल लगाया, कितने लोग, कितने लोग नॉन वोलेटाइल लगाए हैं? गलत हो गया, रैम वोलेटाइल होगा, मैंने कई लोगों का गलत कर दिया, गलत चेक कर दिया, ये चेक करिए आप क्या लगाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।